के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। बेलीपार क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय देवकली परिसर में भैंसों का है तबेला, कैसे हो कि बच्चों की पढ़ाई, जिम्मेदार है लापरवाह। गोरखपुर न्यूज के क्रिएटिव डायरेक्टर एवं समाज सेवी स्वर्गीय सुरेंद्र बहादुर सिंह उर्फ गुड्डू सिंह के उनके जन्मदिन पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि कर किया गया याद, लिया गया उनके सपनों को पूरा करने का संकल्प। महापौर सीताराम जायसवाल की अध्यक्षता में आयोजित हुई नगर निगम सदन की 6वीं बैठक, शहर को स्वच्छ बनाने के लिए लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय। बेलीपार क्षेत्र के कटिया के पूर्व माध्यमिक स्कूल का जर्जर भवन दुर्घटना को दे रहा है दावत, किसी बड़ी घटना के इंतजार में है जिम्मेदार। बीएसए ने कहा प्रस्ताव मिलने पर जर्जर भवन का कराया जाएगा ध्वस्तीकरण। यातायात विभाग के नियमों के खिलाफ टेम्पो चालकों ने की बैठक, कहा उत्पीड़न कर रहा है पुलिस का यातायात विभाग। पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने सहित 11 सूत्रीय मांग को लेकर विद्युत मजदूर संगठन उत्तर प्रदेश एवं विद्युत संविदा मजदूर संगठन ने दिया एक दिवसीय धरना। मांगे पूरी न होने पर आगामी 9 तारीख से 72 घंटे का कार्य बहिष्कार की दी चेतावनी। जीडीए द्वारा रोक के बाद भी कराई जा रही अवैध शिकारी माही, मत्स्यजीवी सहकारी समिति के सदस्यों ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। अति पिछड़ा सामाजिक न्याय कमेटी की रिपोर्ट को कैबिनेट से स्वीकृत कराकर लागू कराने की मांग को लेकर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का कार्मिक अनशन रहा जारी। नारवल स्थित बेसिक शिक्षा विभाग के कार्यालय का परिसर का होगा सुंदरीकरण, पेंटिंग प्रतियोगिता के माध्यम से स्कूली छात्र देंगे मूर्त रूप, बीएसए ने दी जानकारी। और ग्लोबल बिजनेस अवार्ड 2018 के बेस्ट ब्राइडल सैलून इन उत्तर प्रदेश के सम्मान से नवाजा गया महानगर की स्वीकृति अग्रहरी को।